हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बर्नपुर में। आप कितने प्लेग्राउंड क्या बोल रहा हूँ बर्नपुर में आप कितने ज़्यादा प्लेग्राउंड बच गए हैं आज की इस वाले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पहले तो यार बहुत सारे प्लेग्राउंड थे जहाँ पे हम लोग खेला करते थे यार, क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू और भी बहुत सारे गेम्स जो है खेला करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ ना, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भाई अनपढ़ लोगों की हरकतें हो गई, उनकी वजह से ना पूरा का पूरी ख़त्म हो जा रहा है प्लेग्राउंड। एक भाई बानपुर बॉयज़ का जो प्लेग्राउंड बचा हुआ है वो भी अगर उस साइड, इसका जो लेफ्ट वाला साइड है उस साइड पे अगर आप लोग जाते हो तो भाई वहाँ पे जो है गाय चरा चरा के इन लोगों ने पूरा ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया है। ठीक जैसे हॉस्टल ग्राउंड का किया है, वो भी मैं एक वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन फिर भी ये ग्राउंड जो है थोड़ा सा भी भाई अच्छा है अभी तक कि आप लोग आके यहाँ पे खेल सकते। नहीं, आपने जो बोला वो सही नहीं है। हम लोग जब स्कूल में यहाँ क्लास 9 में थे ना, वहाँ पे हवा उठा था कि मोदी जी आ रहे हैं। आए भी थे, वो आए भी थे लेफ्ट साइड वाले। उनका वजह से ना यहाँ पर, उनका वजह से यहाँ पे मैदान को खोड़ के यहाँ पे कुछ हेलीपैड बना के फिर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और भाई वहाँ पे गाय चरा चरा के मैदान का हालत खराब कर दिया। तो आज जो है उससे पहले कई गुना बेटर था ये ग्राउंड। ना जाने कितने साल तक ये ग्राउंड ऐसे ही पड़ा रहा, कोई खेल नहीं पाया यहाँ पे। फिर धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, अभी ग्राउंड सही है। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने ग्राउंड है जो बंद हो गए या फिर भाई पहले अच्छे थे अब ख़राब हो गए, पता नहीं कितने ही ग्राउंड। एक एक करके सबको कवर करेंगे। लेकिन ये थे स्टोरी, ये रहा बानपुर बॉयज़। इसके ऑपोजिट में ही ये ग्राउंड है, बानपुर बॉयज़ का ग्राउंड के नाम से ही जाना जाता है। और उस तरफ है बानपुर गर्ल्स और बीच में है ये ग्राउंड। तो भाई मैं आपसे लोगों से मिलूंगा एक मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव हेल्दी लाइफ।